नमस्कार दोस्तों, माय किसान दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यश जाट। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जैविक कीटनाशक बनाना, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, जैविक कीटनाशक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज पेस्टिसाइड से बहुत सारे कैंसर रोग वगैरह हो रहे हैं और कई तरह की फसलें सब्जियों पर हम जो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे परिवार में कैंसर वगैरह और कई तरह की बीमारियों का खतरा बनता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से जैविक कीटनाशक बनाना, जो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैविक कीटनाशक छाछ से बनाने के लिए हमको बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवश्यकता होती है एक मटके की, जो मिट्टी का हो। इसके अलावा हम प्लास्टिक टब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमको छाछ, उसके बाद छाछ चाहिए हमको, छाछ के साथ हमको चाहिए तांबा, तांबा यानी कॉपर। इसमें आप ये कड़ा है, कड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे किसानों के पास कड़ा नहीं होता है, तो अपने जो विद्युत पंप की मोटर होती है उसमें जो तार इस्तेमाल किया जाता है वो भी तांबे का ही होता है, आप उसे छिलकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ हमें दो चीज़ें और चाहिए, एक ये प्लास्टिक जिससे मटके का मुंह हम बांध सकते हैं, इसके अलावा हमको चाहिए एक सुतली या धागा। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं जैविक कीटनाशक बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से है। सबसे पहले एक मटके में छाछ को अपने को लेना है, ये मटका है, इस मटके में हमको छाछ भरना है। इस मटके में छाछ भरने के बाद आप इसमें तांबा, तांबा जो होता है एक बहुत ही जबरदस्त फंगिसाइड में यूज होता है, मतलब फसलों पर फंगिसाइड का काम करता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। छाछ भी इसी तरह का काम करती है। अब ये जो तार है इसको हम इस मटके के अंदर डालेंगे, डालने के बाद इसको हम पॉलीथीन से पैक कर देंगे। ताकि इससे हवा लीकेज ना हो। अच्छी तरीके से इसका मुंह पैक हमको करना है। तो दोस्तों हमारा जो छाछ से जैविक कीटनाशक है वो इस मटकी में हमको तैयार करना है। अब इस मटकी को हमको 15 दिन के लिए कच्चे गोबर में या अपने खेत की मिट्टी के अंदर 15 से 25 दिन के लिए इसको हमको गाड़ देना है छांव वाले स्थान पर। दोस्तों इसके अंदर जो तांबा अपन डाला है वो इसको जल्दी सड़ाने का काम भी करेगा, साथ ही फंगिसाइड का भी काम करेगा। चलिए दोस्तों हम इसको गाड़ देते हैं। दोस्तों अब हम इसको अध पक्के गोबर में इसको हमको गाड़ना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, मटकी कहीं से भी लीकेज नहीं हो। आप इसकी मटकी नहीं हो तो आप प्लास्टिक टब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटके को हमको ऐसे मिट्टी में छायादार वाले स्थान पर गाड़ना है। इस तरीके से इसको हमें गाड़ना है। दोस्तों हमने इस मटके को गाड़ दिया है। अब हम इसका 15 दिन के बाद ये हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी जैविक कीटनाशक तैयार हो जाएगा। अब इस कीटनाशक का प्रयोग हम कहाँ कर पाएंगे, इससे क्या क्या चीज़ें नियंत्रण कर सकते हैं, वो इसे तैयार होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं हमारा जैविक कीटनाशक, जो कि सिंपल तरीके से हमने छाछ और तांबे को मिलाकर इसको बनाया था।
हमारा जैविक कीटनाशक तैयार है। दोस्तों इस जैविक कीटनाशक को, इस थैली को अपने को खोलना है। यह कीटनाशक तैयार होने के बाद इसके अंदर जो छाछ है वो थोड़ी सी बदबू मारती है क्योंकि ये सड़ जाती है। चलिए दोस्तों ये जैविक कीटनाशक अपना तैयार है। ये जैविक जो अभी हमने जो बनाया बहुत ही सिंपल तरीके से, ये इसको हम हाई पावर भी बना सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम नीम, धतूरा, बेसरमी के पत्ते, आक, तंबाकू आदि चीज़ें मिलाकर भी इसको हाई पावर बना सकते हैं। लेकिन यह अभी हमने घर पर तैयार कर सके, आसानी से कर सके, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया। अब जो अपना ये कीटनाशक है, प्रति पंप 250 से 500 ml इस पर हम सब्जियों में वगैरह में छिड़काव कर सकते हैं। इस कीटनाशक से तंबाकू, अपने जो चने की इल्ली है, लाल तुअर की इल्ली है, इन पर रोकथाम की जा सकती है। दोस्तों एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि शुरुआती तौर पर क्या है कि इल्ली इससे मरेगी नहीं, थोड़ी सी डैमेज होगी, लेकिन इसका स्प्रे रेगुलर अपने को करना है, मतलब 4 या 5 दिन की गैप छोड़कर करना है, क्योंकि हम रासायनिक दवाओं का इतना प्रयोग कर चुके हैं जिससे जो अपने कीट है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा चुके हैं। अब अपने को जैविक में आना है, शुद्ध खाना है, स्वस्थ शरीर रखना है, तो इसका हमको बारी बारी से प्रयोग करना है। प्रति पंप 250 ml से 500 ml 15 लीटर पानी में इसको हमको डालना है। दोस्तों यह किसानों को तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, पेस्टिसाइड जो अपन लाते हैं रासायनिक दवाएं उनसे, लेकिन जो महिलाएं अपने बाल बच्चों को, सिटी में रहने वाली महिलाएं, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं, वो अपने बच्चों को शुद्ध जैविक अगर फल और सब्जियां खिलाना चाहती है तो वो इसका प्रयोग कर सकती है। उस ये पूरा जैविक है और उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके लिए यह इसको पूरे अच्छी तरीके से छानना है और इस 15 लीटर वाले पंप में डालना है। मैंने छाछ को नाप रखा था कि कितने ml डाली है। आप इसका प्रयोग करो उस समय, किसी भी 250 ml या 500 ml का उपयोग कर सकते हैं। अब इस पंप से हम सब्जियों और अन्य चीज़ों पर जो कि फसल है उस पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो बागवानी का शौक रखती है महिलाएं, पुरुष, होम गार्डनिंग जो करते हैं, वो इस छोटे पंप में लगभग 17 से 18 ml डालकर प्रति लीटर पानी में इसका सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा जैविक कीटनाशक जो कि सिंपल तरीके से हमने छाछ से बनाया था। यदि आपको रस चूसक कीटों के लिए इसका करना है तो आपको 250 से 500 ml प्रति पंप ताज़ा छाछ के साथ 250 ग्राम निमोली का काढ़ा अगर अपन मिला देते हैं, जिससे हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर और रस चूसक कीट उससे ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि किसान भाइयों और जो होम गार्डनिंग का शौक है उनको इस चीज़ का फायदा मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आप तक जल्द पहुंचे।